हो जाएगा। आप डायरेक्ट माउस से बना सकते हैं रेक्टेंगल, या फिर आप कमांड में जाके REC एंटर करने के बाद, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद, आप उसको एरिया या डायमेंशन दे सकते हैं। अगर आपको एरिया पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायमेंशन आप दे सकते हैं कितने लेंथ बाय कितने ब्रेथ का आपको रेक्टेंगल बनाना है। जैसे मुझे बनाना है 30 बाय 40 का रेक्टेंगल, तो मैं बनाऊंगा 30 बाय 40 का, ये बन गया है रेक्टेंगल। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, एनोटेशन टैब में जाके, लीनियर में जाके इसकी लेंथ और ब्रेथ चेक कर सकते हैं। ये 30 बाय 40 की बन चुका है, ये 30 बाय 40 का। या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट डायमेंशन में जाके ऐसे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन में जाके, ठीक है। और रेक्टेंगल, अब हम देखते हैं रेक्टेंगल में जाके स्पेसिफाई, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद, इसको ऑफ कर दूँ ओ स्नैप को मैं, जैसे REC में रेक्टेंगल में गया, अब इस फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, और अब मुझे डायमेंशन दे चुके थे हम, एरिया देना है। तो एरिया, जैसे आपको अगर एरिया पता है तो, जैसे मैंने दे दिया 400 का एरिया, तो 400, अब आपको किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, किस पे, तो लेंथ के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से। तो मैं लेंथ के हिसाब से करता हूँ, तो लेंथ उसकी स्पेसिफाई करो। जैसे मैं 300 का दिया हूँ, तो मैंने अगर 100 स्पेसिफाई कर दिया तो ये 100, तो क्योंकि फिर जो एरिया शो करेगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग करेगा, लेंथ के अलॉन्ग करेगा। जैसे ये बन गया 100 बाय 30 का, 100 बाय 3 का ये रेक्टेंगल। ये लेंथ के अलोंग ये शो करेगा आपको इसका एरिया। अगर विड्थ के अलोंग देखें हम, तो REC रेक्टेंगल, और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ मैं, और फिर मैं जाता हूँ एरिया में, तो एरिया मैंने अगर दिया 400 ही दिया, लेकिन अब मुझे विड्थ के अलोंग चेक करना है, तो कितनी मैं चेक करूँ मैं इंटर, 100 किया मैं, तो ये विड्थ ऐसा बन गया, क्योंकि अब ये विड्थ के अलोंग शो करेगा आपका एरिया, ना कि लेंथ के अलावा, यही डिफरेंस है दोनों में। आप किस हिसाब से चेक करना चाहते हैं अपना रेक्टेंगल का एरिया, आइदर अलोंग विड्थ, अलोंग लेंथ और अलोंग विड्थ। और आगे की कमांड हम देखते हैं, रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करें, रोटेशन। अब आपको जो रेक्टेंगल आपका बन रहा है वो किस कितनी डिग्री पे आपको रोटेट करना है, तो उसमें पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल बताओ। जैसे मुझे अगर 45 डिग्री पे बना तो मैं 45 एंटर कर दूंगा, तो ये जो रेक्टेंगल बना है तो 45 पे बना है वो, ये आपकी, जैसे मैं लाइन लिया तो ये आपकी वो हो गई है। इस एक्सिस से जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, उससे आपका ये जो रेक्टेंगल बनेगा वो, आपको जो रेक्टेंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, वो 45 डिग्री पे बनेगा। ऑब्जेक्ट इसमें अब ऑन कर लेते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल। अब ये जो एंगल, ये जो रेक्टेंगल बना है वो 45 डिग्री पे बना है। जैसे मैं चेक करूँ अगर, तो इसका एंगल और इसका एंगल ये होगा 45 डिग्री। इसका एंगल चेक करूँ तो ये होगा 45 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल। जैसे धीरे देखिए, वैसे ही फिर हम रेक्टेंगल में जाते हैं अगर, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया और मैंने दिया 100 बाय 100 का रेक्टेंगल दिया, 100 बाय 100 का। जैसे मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ और मैंने फर्स्ट जो लेंथ दिया मैंने 200, और कॉमा 200 का रेक्टेंगल बनाया मेरा, ठीक है। लेकिन अभी वो ये इस जो अपना ये एक्सेस है उससे 45 डिग्री है, मुझे पहले जो एंगल है वो उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। जो जैसे मैं ये है,
इसका जो रोटेशन एंगल है मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा, जब जाके वो अब हमारा वैसे ही रेक्टेंगल बनेगा जो हमको चाहिए था। ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग, जैसे अब जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ उसका मुझे वो चाहिए एंगल, जैसे रोटेशन मुझे रोटेशन करना है 135 डिग्री पे, तो मैं 135 डिग्री दे दूँ तो ये 135 पे हो गया। अब ये जो एक्सिस 135 पे बन गया है, जैसे अब मैं लाइन लेता हूँ अगर ये, तो अब जो हमारा जो रेक्टेंगल बन चुका है वो 135 डिग्री शो कर रहा है, वो यहाँ से 45 है लेकिन यहाँ से जो बना है वो ये जो है ना ये 135 डिग्री पे बना है, ये 135 पे बना है हमारा, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं अगर। अब वैसे ही रेक्टेंगल पे जाऊँ मैं अगर, और अब मुझे जैसे पिक पॉइंट करना है, पॉइंट पिक करके फर्स्ट पॉइंट रोटेशन, अब मुझे रोटेशन देना है पॉइंट पिक, तो फर्स्ट स्पेसिफाई करो कहाँ आपको रोटेट करना है, सेकंड स्पेसिफाइड पॉइंट ये, तो ये आप पॉइंट पिक करके भी रेक्टेंगल का रोटेशन दे सकते हैं। जैसे इस एक्सिस से देखें हम, तो ये हुआ हमारा रोटेशन कमांड रेक्टेंगल। हम देखेंगे कौन सी कमांड है रेक्टेंगल की, चैम्फर। चैम्फर बताओ, चैम्फर क्या होता है, जो रेक्टेंगल के एजेस होते हैं या बोल सकते हैं कॉर्नर, वो बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल पे शो नहीं होते, 90 डिग्री नहीं बनता है। जैसे हम बनाते हैं रेक्टेंगल, वो पूछेगा हमसे कि चैम्फर डिस्टेंस आपको कितनी लेना है पहले बताओ, तो चैम्फर डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं कि 20 चाहिए हमको, और दूसरे कॉर्नर सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस भी हमको 20 चाहिए अगर, तो हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे ना वो उसकी जो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो कहलाती है चैम्फर डिस्टेंस, मतलब तो कॉर्नर पे जो बिल्कुल एंड पॉइंट नहीं बनते। और जैसे हम इसकी डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे फर्स्ट चाहिए 20 लेकिन मुझे ये कम करना है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो मैं 10 कर दूंगा, तो अब जो मैं बनाऊंगा तो देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है इसमें, ये 20 चैम्फर डिस्टेंस ये है और ये 10 चैम्फर डिस्टेंस ये है। और अगर आपको चैम्फर डिस्टेंस देना ही नहीं है तो आप 0 0 एंटर कर सकते हो। जैसे अब जो रेक्टेंगल बनाते हैं अभी वो ही आ रहा है चैम्फर डिस्टेंस, मतलब अभी वो नहीं हुई है, 0 नहीं हुई है, तो रेक्टेंगल में जाके चैम्फर में जाके ये फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस तो 0 हमको करना पड़ेगा, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस भी हमको 0 करना पड़ेगा, जब जाके अब जो आप रेक्टेंगल बनाओगे तो वो बनेगा 0 0 चैम्फर डिस्टेंस का। जाते हैं दूसरी कमांड पे रेक्टेंगल की, जो कि होती है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड होती है क्या, देखो आप कॉर्नर से रिलेटेड है ये। फिलेट कमांड में रेडियस पूछता है, उसमें क्या पूछता था, विड्थ पूछता था, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, जैसे फिलेट में गए तो इसमें स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। अब आप जो रेक्टेंगल बना रहे हो उसके लिए फिलेट रेडियस आप वो करो, मतलब बताओ कि कितनी रेडियस का आपको रेक्टेंगल देना है, मतलब उसकी जो फिलेट रेडियस कितनी देना है उस रेक्टेंगल में। तो जैसे मैं देना चाहता हूँ 10, तो मैंने 10 दिया, तो अब जो रेक्टेंगल हमारा बनेगा वो उसमें जो फिलेट रेडियस रहेगी वो 10 का रहेगा। जैसे ये जो बन रहा है तो इसमें शो नहीं हुआ है, शो हो रहा है, देखिए इसकी जो रेडियस है वो 10 है, जैसे ये जो रेक्टेंगल बना है, जैसे हम रेडियस यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ गए एनोटेशन में और फिर आप गए इसमें लीनियर डेम लीनियर में और यहाँ जाके आप रेडियस में जाए, तो इसको एंटर करेंगे तो ये 10 रेडियस का बना है, ये जो फिलेट रेडियस की 10 है। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं जाके आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, और फिलेट में जाके आप बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर 20 कर दूँ तो 20 हो गया, आप जो रेक्टेंगल बनेगा उसमें जो रेडियस रहेगी वो 20 की रहेगी, जैसे ये तो इसमें चेक करो ये जो रेडियस है वो 20 की है, फिर आपने जो यूनिट रखे हैं उसमें शो करेगा वो एमएम हो या फिर एमएम हो या फिट हो। अब हम देखते हैं कौन सी यूनिट है इस आगे की, रेक्टेंगल में जाके हम जाते हैं अब थिकनेस में, अब नहीं फिलेट में हमको मेरे को 0 करना पड़ेगा क्योंकि 0 0 आप रखना चाहिए वैसे,
क्योंकि अब जो बाई चांस मैंने फिर से रेक्टेंगल लिया, मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी बनाने की, तो अब जो बनाऊंगा मैं रेक्टेंगल, जो ऑफिशियली आप कहते हैं रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल ऐसा तो जैसे कॉर्नर पॉइंट्स, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स 90 डिग्री पे हों, ये 90 डिग्री हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ से जाके चेक करें एंगल, तो ये पूरा 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल वही होता है जिसके 90 डिग्री एजेस 90 डिग्री पर रहे, और इसके जो एजेस हम चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री पर नहीं आएंगे। जैसे मैं अगर चेक करूँ तो इनका और इनका एंगल है, ये 90 आएगा, लेकिन इस कॉर्नर पॉइंट चेंज हो गया है, कॉर्नर पॉइंट सिर्फ ये लाइन और ये लाइन का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ना कि पूरे इसको मिला के इनका। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल में कौन सी कमांड है। अब देखते हैं हम थिकनेस, थिकनेस कमांड हम देखते हैं, तो थिकनेस मतलब होता है मोटाई। अब हमको कितनी मोटाई का रेक्टेंगल बनाना है, तो इसमें पूछता है स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल। अब आपको कितनी थिकनेस का रेक्टेंगल बनाना है, जैसे मैं बनाऊँ 15 का, अगर 15 का बनाऊँ, अब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप बता दो उसको रेक्टेंगल का, और सेकेंड कॉर्नर पॉइंट बता दो, तो इसकी जो ये जो थिकनेस बनी ना, इसकी जो थिकनेस है वो 15 है। जैसे अब हम देखते हैं डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा ज़्यादा, तो हम ज़्यादा थिकनेस के लेते हैं रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल में गए आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, अब मैं गया थिकनेस में, तो थिकनेस मुझे बनाना है 100 थिकनेस का देना है रेक्टेंगल। तो देखिए अब डिफरेंस देखना, अब इसकी जो थिकनेस है और इसमें दोनों में अंतर है, ये 100 इसकी थिकनेस है और इसकी जो अपन ने दिए थे कम है, इसलिए। अब हम रेक्टेंगल में दूसरी कमांड देखते हैं, वो होती है विड्थ। विड्थ विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, हम कि रेक्टेंगल कितने विड्थ का आपको रेक्टेंगल बनाना है। विड्थ, तो विड्थ में हम बताते हैं चौड़ाई, कितनी चौड़ाई का देना है हमको। तो जैसे रेक्टेंगल में गया मैं आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, अब विड्थ में गया तो वो पूछेगा आपसे स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल, लाइन जो बनेगा जिस रेक्टेंगल जिस लाइन से रेक्टेंगल में उसकी कितनी विड्थ रखना है। जैसे मैं रखता हूँ 15, तो 15 फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और अदर कॉर्नर पॉइंट। अब ये जो रेक्टेंगल बना है वो 15 विड्थ का बना है, इसको आप कम भी कर सकते हैं, जैसे जाके विड्थ में जाके फिर जैसे मैंने किया 5, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें डिफरेंस देखो, ये 15 ये जो रेक्टेंगल बना है ये 15 थिकनेस का बना है, और ये जो बना है ये 5 थिकनेस का बना है, एक ग्लोबल विड्थ से बता रहा है। जैसे आप इसमें चेंज करो, तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे जाके 10 कर दिया अगर मैंने, तो ये 10 का हो गया। आप जैसे प्रॉपर डबल क्लिक करो और माउस से जाके, तो प्रॉपर्टी शो करना भी लगता है, राइट क्लिक करो माउस पे जाके, लेफ्ट क्लिक करो माउस पे जाके, तो ये प्रॉपर्टीज डबल क्लिक मतलब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये सब हमारी कमांड हो गई है रेक्टेंगल की। अगले टॉपिक में हम देखेंगे सर्कल की कमांड, सर्कल वैसे देख चुके हैं हम हैच देखेंगे, और आगे की जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं कुछ कुछ वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।